आचार्य विपुल सागर जी महाराज का जीवन परिचय। आचार्य विपुल सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास वर्षा योग 2020 सबदेव तपस्थली प्रयागराज। विपुल सागर जी महाराज का पिच्चिका परिवर्तन 2020। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आपको आचार्य विपुल सागर जी महाराज का जीवन परिचय सुना रहा हूँ। आचार्य विपुल सागर महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज के तृतीय पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज के दीक्षित शिष्य हैं। आचार्य विपुल सागर जी महाराज का जन्म 16 अप्रैल 1935 चैत्र शुक्ल त्रयोदशी संवत 1932 को महावीर जयंती के अवसर पर पलाई टोंक राजस्थान में हुआ था। बचपन में आपका नाम वीर चंद्र जैन था। आपके पिता का नाम श्री बजरंगी लाल जैन पाटनी था। आपके पिता एक व्यापारी थे। आपकी माता श्रीमती कस्तूरीबाई अत्यंत धार्मिक एवं मुनि भक्त थी। माता के संस्कार आप में कूट कूट कर भरे हुए थे। बालक वीर चंद्र को लौकिक शिक्षा बहुत अधिक प्राप्त न हो सकी। उसका कारण था कि आपके सिर से पितृ छाया जन्म के कुछ एक वर्षों बाद ही उठ गई। इतना ही नहीं, जब आप 7-8 वर्ष के थे तो आपको माता के आंचल से भी विहीन होना पड़ा। आपका लालन पालन आपकी काकी जी ने किया। आप 2 भाई और 1 बहन थे। भाइयों में आप छोटे थे। दोनों भाइयों में बचपन से ही धर्म के बहुत अधिक संस्कार थे। दोनों भाइयों में बचपन से ही मुनि बनने की होड़ लगी रहती थी। बहन की शादी के बाद बड़े भाई ने आचार्य धर्म सागर जी महाराज से महावीर जी तीर्थ क्षेत्र में दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के समय बड़े भाई को आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने महेंद्र सागर जी महाराज के नाम से विभूषित किया। इतना ही नहीं, विपुल सागर जी महाराज को अपने बड़े भाई की दीक्षा के समय वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने भी दीक्षा के लिए निवेदन किया, किंतु आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने काकी जी की सेवा के कारण आपको दीक्षा की अनुमति प्रदान नहीं की। किंतु आचार्य विपुल सागर जी महाराज ने उसी समय आचार्य धर्म सागर जी महाराज से 2 प्रतिमा और आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया। आचार्य धर्म सागर जी द्वारा आपको 5 फरवरी 1976 विक्रम संवत 2032 को मुनि दीक्षा प्रदान की गई। आपकी मुनि दीक्षा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुई। वर्ष 1988 तक आप अपने गुरु की समाधि तक अपने संग में ही विहार करते रहे। तत्पश्चात धर्म की प्रभावना हेतु आप संघ से अलग हुए। आपको 1 मई 1996 को जावत उदयपुर में समाज और संघ के द्वारा आचार्य पद से विभूषित किया गया। आपके द्वारा दीक्षित शिष्य चुल्लक विशुद्ध सागर जी एवं मुनि भरते सागर जी हैं। वर्ष 2017 में महावीर जयंती के अवसर पर आपके द्वारा परभनी महाराष्ट्र में भद्रबाहु सागर एवं निर्भय सागर जी महाराज को आचार्य पद से विभूषित किया गया। इस समय आप आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज एवं मुनि भरते सागर जी महाराज के साथ प्रयागराज की पवित्र धरा पर विराजमान हैं।